So now we will continue with the limiting form of t distribution. What does it mean? Whenever the degrees of freedom goes indefinitely large and the PDF, then what will be the PDF of t distribution and what form the PDF of t distribution will? So first of all, you will write the PDF of f of t distribution, right? करना क्या है हमें? हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है. मतलब आपने यहाँ पे लिखना है लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी. यहाँ पे आपको क्या चाहिए? लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी. अब पूरा सॉल्व करने से पहले देखो, एक तो आपने इस पे इनफिनिटी लगाना है, एक आपने इस पूरे पे जहां जहां n है वहां वहां आपका इन्फिनिटी लगेगा. ठीक है? सो सबसे पहले हमने जो कॉन्स्टेंट्स है उसके ऊपर हमने इन्फिनिटी अप्लाई करने की कोशिश. अब आप ये समझ समझना, यहाँ अंडर रूट एन है, वन बाय अंडर रूट एन है, चलो जी इन्फिनिटी लगाया, ये सा तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो सारा कुछ ही जीरो हो गया, तो पीडीएफ कहाँ से जनरेट करेंगे? तो वो गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है? सो यू विल राइट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यू विल कन्वर्ट बीटा इंटू इन द फॉर्म ऑफ टा, राइट? उसके बाद यहाँ पे जहां वन बाय टा वन बाय टू है, इट्स वैल्यू विल बी अंडर रूट पाई. लेकिन जहां पे n है और n टेंडिंग टू इंफिनिटी जा रहा है, वहां पे ये रिजल्ट आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा है सबको, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी टा n प्लस के अपॉन टा n, दिस इज इक्वल टू n रेज टू पावर k. यू विल यूज दिस रिजल्ट एज इट इज इन द थ्योरम. ठीक है? तो n प्लस के, इट मीन्स आपका जो n का काम है वो कौन कर रहा है? n बाय टू कर रहा है. सो n बाय टू रेज टू पावर k, और पावर k कितना है? 1 बाय टू. सो दिस बिकम्स n बाय टू रेज टू पावर 1 बाय टू. अंडर रूट n एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अंडर रूट n गेट्स कैंसल्ड and you are left with 1 by under root 2 pi. So the limiting value of the constant part is 1 by under root 2 pi. Fine. Now we will find the limiting value of the function jo in terms of t pada hua hai, right? So this is limit n tends to infinity 1 plus t square. aur jo aapka ye dekho, ye hum pehle hi upar le aaye hain sara ka sara, humne isko is form mein convert kar diya. ab isko do parts mein likh diya. The one is 1 plus t square by n minus n by 2 into 1 प्लस टी स्क्वायर बाय एन माइनस 1 बाय 2. दो पार्ट्स में, ये देखो ये था ना माइनस एन बाय 2 माइनस 1 बाय 2, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, और इसमें से इसको भी दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, एन यहां रहने दिया, माइनस 1 बाय 2 इधर कर दिया. ठीक है जी? सो इस पार्ट का आंसर 1 बाय अंडर रूट 2 पाई है, वी हैव ऑलरेडी रिटन. नाउ ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लिमिट की, दिस इज ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर बाय 2, राइट? और इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास? व्हाट वैल्यू यू विल गेट? इसमें से एक का आंसर आपके पास 1 आना चाहिए, राइट? एक आंसर, एक जो लिमिट है दैट यू विल हैव एज इट इज 1, एंड 1 हैव ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर बाय 2, राइट? सो देयरफॉर, एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल. सो इस केस में जो टी वेरिएबल था आपका, वो किस में कन्वर्ट हो गया? इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? सो दिस इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ टी.